पेंडारक के चर्चित मूक बधिर पहलवान गौरव कुमार ने अखिल भारतीय मूक बधिर खेल परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मूक बधिर चैंपियनशिप 2020-21 में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे बिहार प्रदेश को गौरवान्वित किया है। 21 फरवरी को गुजरात मूक बधिर खेल परिषद की मेजबानी में गुजरात के खेड़ा जिले के नादियाद स्थित डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित ट्रायल में सफल होकर गौरव ने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना ली है। 57 किलोग्राम वजन वर्ग में हरियाणा के पहलवान वीरेंद्र सिंह को परास्त कर गौरव ने न केवल स्वर्ण पदक अर्जित किया बल्कि आगामी 30 मई से 5 जून तक तुर्की में आयोजित होने वाली चतुर्थ विश्व मूक बधिर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने का अभूतपूर्व गौरव भी हासिल किया है। राष्ट्रीय श्रेणी की कुश्ती खेल में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए बिहार सरकार के खेल संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आगामी 28 फरवरी को खेल सम्मान 2021 भी प्रदान किया जाएगा। बुधवार को गुजरात से अपने गृहग्राम पिंडारक वापस लौटने पर ग्रामवासियों द्वारा गौरव को फूल मालाओं से लाद दिया गया और उसके सम्मान में एक भव्य विजय जुलूस निकाला गया। पुनारक स्टेशन से शुरू हुआ यह जुलूस स्टेशन रोड मुख्य सड़क और दुर्गास्थान गली से होता हुआ पहले पिंडारक सूर्य मंदिर पहुंचा। सूर्य मंदिर में पूजन अर्चन के बाद पुनः बिछली गली होता हुआ कालीस्थान पहुंचकर इस जुलूस का समापन हुआ। इस अवसर पर शिक्षक एवं साहित्यकार अमित कुमार, इनायस कोच राकेश कुमार, शिक्षक पार्श्वमणि तिवारी, सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक बिरजू सिंह, कुश्ती प्रशिक्षक रामानुज भट्ट, अवध पहलवान, वीरो पहलवान, कौशल पहलवान, कुणाल पहलवान सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट।